नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। इंडियन ज्योग्राफी आज मैं फिनिश करने वाला हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की फिजियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैंने ड्रेनेज पैटर्न इतनी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ नहीं किया है, लेकिन हिमालयन रिवर्स के अंदर मैंने इंडस तो कवर किया है। ठीक है, मैंने अभी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ ड्रेनेज सिस्टम, आई रिपीट, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मैंने ड्रेनेज सिस्टम अभी ख़त्म नहीं किया है, उसे मैं करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स अभी कवर कर रहे हैं फिजियोग्राफी के अंदर मैं पूरा कवर कर लिया, नॉर्थ से लेकर के साउथ। इट मीन्स जो आपके कोस्टल प्लेन्स एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है जी, उसको हम कर लेंगे कवर, और कल से फिर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से, फिर इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। ठीक है, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज कि अगर मैं 600-700 क्वेश्चन आपको दूँ एग्ज़ाम तक, जिसके अंदर मैं करंट अफेयर्स भी कवर करूँगा। वो अल्टरनेट डेज पे होगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टेस्ट के अंदर ज्योग्राफी भी डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स भी डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। जय हिंद दोस्तों। आर्यन सिंह नेगी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं कल से लूँगा टेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि भैया आप लोग ना घर बैठे हुए तैयारी कर सकते हैं, वो तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के ढेर सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप घर की रोटी खा सकते हैं, घर में रह सकते हैं, ट्रैवलिंग के अंदर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, थकावट आपको नहीं होगी, अपनी फुल मेहनत के साथ आप बस अपना पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देंगे एनडीए की प्रिपरेशन में। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम बस पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टा वेकेशन करना है, जो करना है करना है, बस अब हो जाना चाहिए, ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चीज़ों को। ठीक है, तो घर बैठे पढ़ाई के लिए लास्ट डेज की प्रिपरेशन में 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका नाम है मिशन एनडीए। 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल तक ये चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे। ठीक है, मेरे मुंह से अभी निकला कि पौड़ी हो रही है ना। ठीक है जी, सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे मिशन एनडीए में। अब इसके लिए आपको माय डियर फ्रेंड्स 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 45 डेज का है ना, तो उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये गड़बड़ हो जाती है ना जो हमेशा, अपना गोल चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पेज दिखेगा, उसके अंदर ड्यूरेशन एंड द प्राइसिंग पेज सब कुछ आपको विजिबल होगा। यहाँ पर आपने एक रेफरल कोड यूज़ करना है इसको कम करने के लिए, 4,000 रुपीज़ की जो प्राइसिंग है उसको, उसके अंदर डिस्काउंट पाने के लिए आपको यहाँ पर टीम अर्पित रेफरल कोड यूज करना है। क्या यूज करना है, टीम अर्पित, उसको ऐड करते ही आपको मिलेगा डिस्काउंट। 4,000 की जगह प्राइसिंग हो जाएगी 3,600 रुपीज, जो आपको 3 महीने तक वैलिड रहेगी वो, और आपको तैयारी करनी है भैया घर बैठे। ठीक है, ठीक है जी, तो जिनके फ़ोन में नहीं है अनअकैडमी की ऐप वो इंस्टॉल कर लेंगे, जिनके फ़ोन में है वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जो नया नया इंस्टॉल करेंगे वो भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, बस ले लेंगे। ठीक है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर लें। ये हमारा सिलेबस है, ये हम हैं और हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, अभी किसी ने लिख के दिया था मुझे, हाँ जी दीपक जी ने, यस। चले जी, आते हैं आज के टॉपिक पे। कल की क्लास कैसी थी मुझे इतना बता दीजिए, 40 क्वेश्चन यूजफुल इंडियन ज्योग्राफी जो हमने कवर किए थे। यूजफुल था कल, चलिए ज़बरदस्त। आज तो नहीं ले पाऊंगा मैं क्लास, आज आई एम सुपर टायर्ड गाइज, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, आई एम सुपर टायर्ड, देन मैं कर लूँगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज कहीं फंस गया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मेरे बैक की बैंड बजी हुई है इस टाइम पर। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद मैंने कुकिंग भी की घर जाकर। ठीक है, तो एकदम बस हालत ख़राब है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इंडियन कोस्ट। अब आप सभी को मालूम है कि इंडियन कोस्ट के लिए पहले तो अपना मैप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, और फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी, ठीक है,
टाइम टेबल में माय डियर फ्रेंड आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बैक टू बैक नोटिफिकेशन रहती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपकमिंग क्लासेस सुबह से ही आप देखेगा। धीरज सर की क्लास मॉर्निंग 8 AM, ठीक है, उसके बाद 5:15 PM क्लास होती है राधिका मैम की फिजिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। फिर अर्पित सर की क्लास होती है 6:30 to 7:30, कार्तिकेय सर की क्लास होती है आपके 7:45 to 8:30, एंड देन मैं आपके पास 8:45 के पास के आसपास आ जाता हूँ आपके पास, है ना। यही टाइम टेबल है माय डियर फ्रेंड। अरे साहिल राणा जी, ये बात तो मैं अपने भांजे को, अपने भतीजे को बोलता हूँ, जब भी गाना चल रहा होता है ना गाल नहीं कटनी, तो उसके ऊपर वो डांस करते हैं। मैं कहता हूँ यार हटाओ इसे, ये मैं अपने मामा के लड़के का गाना नहीं सुनूंगा। परमीश वर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, बेसिक्स ऑफ इंडियन कोस्ट माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर इंडियन कोस्ट के अंदर यहाँ पर गुजरात पड़ता है, गुजरात शेयर करता है मैक्सिमम बाउंड्री कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन सबसे मैक्सिमम आपकी गुजरात शेयर करता है। यहाँ पर डाटा अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर आउट ऑफ फोकस हो गया, इसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो गुजरात मैक्सिमम जो आपकी कोस्ट लाइन है गुजरात शेयर करता है। एक बार टेक्स्ट टू टेक्स्ट देखते हैं। द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेजर्स अबाउट 7,517 किलोमीटर्स, ये इंक्लूडिंग आइलैंड्स है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स है ये। देर आर नाइन कोस्टल स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने टिप्स पर याद करना है, ठीक है। पंडित भारद्वाज जी, मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा स्पैम करते हो पंडित जी। और देखिए, मैंने आप कहा था कि पंडित भारद्वाज जी को ब्लॉक अनब्लॉक करो, लेकिन आप यू डिस्टर्ब सीरियसली, ठीक है, यू आर डिस्टर्बिंग एंड यू जनरली डिस्टर्ब अदर माय डियर फ्रेंड्स। चले, देयर आर 9 कोस्टल प्लेन्स। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेट करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा एंड द वेस्ट बंगाल, मेनलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। हाँ, स्टार्टिंग में 9 AM थी, बट अब नहीं हो पाएगा ना, वो नहीं हो पा रही अभी, क्योंकि मैं सुबह ऑक्यूपाइड होता हूँ। 4 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, वो सभी को मालूम है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके अंदर से आपकी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली अब ये मर्ज हो गई है, ठीक है, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है जी। और जो पुडुचेरी है आपकी, ये स्कैटर्ड है, ये एक प्लेस नहीं है, ये 4 स्टेट्स के अंदर 4 अलग अलग प्लेसेस हैं, मतलब 3 स्टेट्स के अंदर 4 अलग अलग प्लेसेस हैं, जिसके अंदर आपका यनम आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में आपका पुडुचेरी एंड कराईकल है, एंड देन केरला के पास आपका माहे है, ठीक है। ये बहुत जनरल सी चीज़ें माय डियर फ्रेंड, ये तो आपको अगर आप जा रहे हैं ए ग्रेड NDA की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड, कमीशनिंग की बात हो रही है तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए टिप्स पर, ठीक है, टिप्स पर याद होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड 2020 के अंदर 2019 से ही वो चर्चा में था, अंडमान निकोबार के अंदर एक आइलैंड का नाम वीर सावरकर जी के ऊपर रखा है, सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर रखा है, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक पोर्ट अंडमान निकोबार में था, अब उसको मेजर पोर्ट की कैटेगरी से हटा दिया, वो पोर्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी न्यूज़ में था। इसके साथ साथ कोस्टल प्लेन्स के आसपास कहाँ पर 13th मेजर पोर्ट बन रहा है, अंडमान निकोबार जहाँ पर अमेरिका का एक प्लेन आया था और वो फ्यूलिंग कर वापस चला गया, वो किस एग्रीमेंट के बाद ऐसा हुआ कि हाँ एक कॉमन बेस को, नेवल बेस को या फिर आपके एयरफोर्स बेस को यूज़ कर सकती है दूसरी कंट्री जो उसके फ्रेंडली या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो क्वेश्चन वो। क्वेश्चन वो जो न्यूज़ में रह चुके हैं, गलवान एंड श्योक रिवर का कल्मिनेशन पॉइंट और वहाँ से निकलते हुए DSDB रोड,
आपकी अटल टनल, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अब कौन सी है, लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आसपास हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ये करंट अफेयर्स में किसी ना किसी वजह से रहे हैं। कौन सी बायोडाइवर्सिटी के अंदर को, आई मीन योर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि नीलगिरी के पास और वेस्टर्न घाट के पास बहुत सारे जो प्लेसेस थे वो न्यूज़ में रहे। और हमने ये भी देखा कि रिवर्स अचानक से एकदम साफ हो गई लॉकडाउन के टाइम पर, तो कौन कौन सी रिवर न्यूज़ में रही, गंगा न्यूज़ में रही थी माय डियर फ्रेंड, उसकी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आपको देखनी है। यमुना के अंदर भी देखा गया कि जो उसका पोल्यूशन लेवल था वो काफ़ी कम हो गया है, वो एकदम ऐसे नहीं हुई है कि एकदम साफ हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है यमुना कंपेयर टू गंगा, ठीक है। लेकिन गंगा के ऊपर तो फिर भी एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यमुना जो है बहुत खस्ता हालत में, सीरियसली, ठीक है। चलिए पहले मैं टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ, फिर बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। द कोस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड द कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप एंड द निकोबार ग्रुप। गुजरात इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड विद लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज कोस्ट लाइन, फॉलोड बाय आंध्र एंड द तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड योर तमिलनाडु, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेरे बैक में क्या हुआ है, बस वो स्टिफ हो जाती है, एज फैक्टर, यू नो। चलिए थैंक यू प्रवीण राज जी, अरे ओवरवेलम, चलिए थैंक यू सो मच, ठीक है जी। बेस्ट बुक क्या, बस एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें, जो एनडीए 2 के लिए, एनडीए 1 वाले अब एमसीक्यू उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, टाइम निकल चुका है हाथों से, टाइम निकल नहीं चुका है, कि अब वो स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना है। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, टाइम नहीं निकल चुका है, स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना है कि अब करना क्या चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं गोपाल जी, इट्स योर कॉल, जो कर रहे हैं आप अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। यस, चलिए ठीक है जी, चलेंगे आगे माय डियर फ्रेंड्स। अरे यार, बैग योर पार्डन, एक बार बस ये आ जाए, कुछ ज्यादा ये सेंसिटिव है ये। चलिए कोस्ट की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो पहले वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। इसके अंदर वेस्ट कोस्ट पर दो कोस्ट जो कि वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस के नाम से जाने जाते हैं, और एक सिंगल स्ट्रेच आपका ईस्टर्न कोस्ट पर है, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। बेस्ट बुक माय डियर फ्रेंड्स, अब एनसीईआरटी पढ़िए, मैं यही कह रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज कीजिए, बाकी बुक वगैरह तो सब मार्केट में बहुत सारी हैं। कोंकण कोस्ट माय डियर फ्रेंड, कोंकण कोस्ट आपके, कोंकण कोस्ट है माय डियर फ्रेंड आपके साउथ ऑफ गुजरात से लेकर के आपके गोवा तक, इट मींस आपके दमन से लेकर के गोवा तक, दमन एंड दीव सेपरेटेड बाय दी गल्फ ऑफ खंबात, ये मैप में देखेंगे, ठीक है। आई एम ऋषि, आई एम फाइन, गुड। चले माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सेइंग, और ग्योची लियोंग अगर आपको मिल जाए, ग्योची लियोंग नया वाला एडिशन, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए उसको आप पहले 15 चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। ग्योची लियोंग, ठीक है, फर्स्ट 15 चैप्टर ग्योची लियोंग के, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, मेरे मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, इतना तो मैं मटेरियल देता हूँ आपको। दमन एंड दीव सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं उसे, ठीक है, ये याद रखना सभी ने। अब वहां से लेकर के, दमन से लेकर के गोवा तक जो कोस्ट लाइन है उसको हम जानते हैं दमन के नाम से, ठीक है जी, उसको हम जानते हैं कोंकण के नाम से। एम आई विजिबल, चलिए बहुत बड़ी, उसे हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड कोंकण के नाम से। द कोंकण कोस्ट इज जनरली नैरो, नॉट एक्सीडिंग 65 किलोमीटर्स, ठीक है जी। द कोंकण कोस्ट, इट मींस जो आपका इंडियन पेनिनसुला है उसके वेस्टर्न घाट्स जो कि रन करते हैं पैरेलली टू दी
वेस्टर्न कोस्ट, उसके बीच में जो ये प्लेन्स है ये नैरो है, ये इतने वास्ट नहीं है क्योंकि इसकी जो ये ज़्यादा ब्रॉड है, ईस्टर्न घाट से जो की तरफ जो कोस्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा ब्रॉड है। उसके दो तीन रीजन भी हो सकते हैं, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि रिवर्स हैं यहाँ पर, वो इरोड करती है, इरोड का मतलब है कि वो सेडिमेंटेशन करती है या फिर उसकी वेदरिंग करती है, इरोजन करती है, इस वजह से यहाँ पर आपको सेडिमेंटेशन नहीं दिखेगी। और यहाँ पर सेडिमेंटेशन भी दिख जाएगी, सेडिमेंटेशन नहीं दिखेगी तो यहाँ पर इरोजन नहीं होगा, कहने का मेरा मतलब है, ठीक है, इरोजन नहीं होगा इस तरफ, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, इट इज़ वाइडेस्ट नियर मुंबई, इट इज़ अ रॉकी एंड अनइवन, फ्यू हिल्स प्रोट्रूड अप टू द सी एंड दैट इज़ व्हाई वी फाइंड न्यूमरस लाइट हाउसेज अक्रॉस द कोस्ट टू वार्न द शिप रिमेन्स अवे फ्रॉम द रॉकी एरियाज। काफ़ी ज़्यादा पथरीला, काफ़ी ज़्यादा रॉकी, ये इस तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट के आसपास दिखते हैं। नहीं, डोंट वरी आर्यन सिंह नेगी, आई एम फाइन, इतनी आदत है अपने को, हमारा शरीर पत्थर का तो नहीं है लेकिन बन चुका है कुछ हद तक, ऐसा झेल लेते हैं काफ़ी देर तक। सुबह 5 बजे से खड़ा हूँ मैं और उसी कंडीशन में हूँ अभी तक, ठीक है। चलिए, मालाबार कोस्ट, द मालाबार कोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउथ ऑफ गोवा और वह कन्याकुमारी तक जाता है। मुझे ये वीडियो देखनी बंद करनी पड़ेगी कि पारवी हो रही है कुछ ज़्यादा ही, मेरी भी टंग ट्विस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। मालाबार कोस्ट, द मालाबार कोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ गोवा और वह कन्याकुमारी तक जाता है। केप कॉमोरिन भी उसको बोलते हैं, केप कॉमोरिन, ठीक है जी, केप कॉमोरिन, जो कि सदर्न मोस्ट टिप है आपके मेनलैंड इंडिया के अंदर, मेनलैंड इंडिया, पूरे इंडिया की बात करूं तो आपके इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है जी। ठीक है, चलिए, रिच जहाँ पर आपके मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे माय डियर फ्रेंड, उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वहाँ पर ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ होगा। जहाँ पर भी कोल बेड है या फिर आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, क्रूड ऑयल है, वहाँ पर ड्रिफ्ट अपार्ट हुआ होगा। और इस बात को आप नकार नहीं सकते, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ड्रिफ्ट अपार्ट होकर मेडागास्कर से वेस्टर्न कोस्ट आया, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट वाला हिस्सा वही ड्रिफ्ट पार्ट होके आया, वो फर्दर और ड्रिफ्ट पार्ट उसके अंदर हुआ तो रिफ्ट वैली बनी हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो उस टाइम पर प्रेजेंस थे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपके जंगल, आपके और दूसरी चीज़ें, वो सभी की सभी बरी हो गई, वहाँ पर मेटामॉर्फिज्म हुआ एंड साइमल्टेनियसली वो चेंज हुए हैं आपके ऑयल के अंदर, ठीक है, या फिर कोल बेड के अंदर, ठीक है। चलिए, कहाँ था मैं, चलिए, हाँ, तो मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट माय डियर फ्रेंड आपके गोवा से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है जी। सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिस कोस्ट आर वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया एंड द नेशनल वाटरवे 3 दैट स्ट्रेचेस कोट्टापुरम टू कोल्लाम, ये बिल्कुल याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, बिल्कुल याद करना है। हाँ जी, टेक्टोनिक प्लेट्स तो है ही थी, हो ही थी ना वहां पर, तभी तो मूवमेंट मूव करके आया इंडिया, ऐसे कैसे, ठीक है। चलें, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केरला कोस्ट, केरला कोस्ट जोन इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल बीचेस, बीच, ठीक है, बैक वाटर्स एंड लगून। द कोस्टल बेल्ट अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लो लैंड इज द मोस्ट, यू कैन से कि वहाँ पर सीनिक ब्यूटी ज़्यादा है, ठीक है जी। हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले, अभी हम बेसिक्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव के अंदर काम आता है, हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हमें देखना है कि क्या क्या लिखा है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न कोस्ट कट थ्रू 3 स्टेजेस
स्टेट्स, आई एम सॉरी, इट मीन्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड द ओडिशा, ये तीनों स्टेट की जो कोस्टल बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल। द कावेरी डेल्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब रीजन इन तमिलनाडु। द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन आंध्र प्रदेश, वाइल द महानदी डेल्टा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द ओडिशा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टाज भी बनते हैं, सेडिमेंटेशन भी हो रही है। ठीक है, और माय डियर फ्रेंड, जो उनका कोर्स है वो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी लेके जाता है, और अपना कोर्स चेंज भी नहीं किया इन रिवर्स ने, जितने ईयर्स से पहले से ये वहाँ से फ्लो कर रही थी उसी कोर्स में ये फ्लो कर रही है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो हार्ड रॉक से बना है वो लैंडफॉर्म, इसका मतलब एक सिंपल ये भी निकल के आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द लार्जेस्ट, जो कि कृष्णा गोदावरी बेसिन का है। ठीक है जी, कृष्णा गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा, सबसे ब्रॉड, सबसे ज़्यादा वाइड, ये सभी आपका, ये एरिया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन इंडिया सबसे बड़ा है, वाइडेस्ट है ये। ठीक है जी, चलिए, लव यू टू जी, लव यू टू। पंडित जी निकलवा दिया आपने मेरे मुंह से अपना नाम। छाती पर दर्द है, अरे चले कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, अभी से क्यों दर्द होने लगा आपकी छाती में। दिस प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू कोरोमंडल कोस्ट, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से, और फास्ट डीवी पॉइंट क्या है, फास्ट डीवी पॉइंट ये जी आपका कृष्णा रिवर जहाँ पर ड्रेन ऑफ होती है, जो कि मिल जाती है आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर, जहाँ पर वो डेल्टा बनाती है। फास्ट डीवी पॉइंट ये क्वेश्चन एनडीए में लगभग 4-5 टाइम्स पूछा जा चुका है। फास्ट डीवी पॉइंट कहाँ पर है ये जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में है। क्या है फास्ट डीवी पॉइंट, वो पॉइंट है जहाँ पर कृष्णा रिवर सबमर्ज होती है, उसका माउथ है जहाँ पर। ठीक है, चलिए, जहाँ पर उसका माउथ है। ठीक है जी, डन। चलिए, गल्फ ऑफ मन्नार माय डियर फ्रेंड, कोई मुझे बिना पढ़े बताएगा गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नार, वेयर इज गल्फ ऑफ मन्नार, प्लीज पंडित जी बताओ फटाफट। पंडित जी फटाफट से बताओ, यार एक सेकंड रुको, जरा मैं पंडित जी को करूं टाइम आउट। ठीक है जी, चलो ये तो हो गए, और कौन है, चंद्रपाल सिंह जी ने भी होना है। चलो जी, चलो जी, ठीक है, ये तो डिलीट हो गए, कहाँ गए चंद्रपाल जी, चलो डिलीट हो गया चंद्रपाल, कोई बात नहीं, चले जी। गल्फ ऑफ मन्नार माय डियर फ्रेंड इज अ शैलो बे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आप तो अभी इसको गल्फ कह रहे थे, अब इसको बे बोल रहे हैं, ये गल्फ और यहाँ पर बे लिखा हुआ है, तो आप मुझे दोनों एक ही चीज़ है माय डियर फ्रेंड, अगर वो नैरो है तो उसको गल्फ बोलेंगे, क्या चीज़। चलिए पहले मैं बता देता हूँ, अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड मास फ्रॉम द थ्री साइड्स, उसको हम बोलते हैं बे। ठीक है, एक वाटर बॉडी है सराउंडेड बाय लैंड मास फ्रॉम द थ्री साइड्स, उसको हम बे बोलेंगे। ये बिल्कुल अपोजिट है आपके पेनिनसुला का, पेनिनसुला एक लैंड मास होता है जो कि वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है फ्रॉम द थ्री साइड्स, उसको तो पेनिनसुला बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर बॉडी है सराउंडेड बाय द लैंड मास फ्रॉम द थ्री साइड, इसको हम बे बोलते हैं। अगर वो ब्रॉड है तो उसको हम बे बोलेंगे, हडसन बे, बे ऑफ बंगाल। अगर वो नैरो है, कुछ किलोमीटर्स का ही रास्ता है,
तो उसको हम गल्फ बोलेंगे, जैसे कि आपका अरेबियन गल्फ है, ठीक है, ठीक है जी, डन। चलिए, राइट है जी, यस और नो? चलिए, गल्फ ऑफ मन्नार माय डियर फ्रेंड इज अ शैलो बे पार्ट ऑफ लक्षद्वीप सी इंडियन ओशन के अंदर। अब ये माय डियर फ्रेंड आपका श्रीलंका और इंडियन मेनलैंड के बीच का इलाका, ठीक है, उसको हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर आपको पाक स्ट्रेट भी दिख जाएगा। पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो वाटर चैनल जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको पाक स्ट्रेट दिख जाएगा, ठीक है, जहाँ पर एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु भी है, ठीक है। यहाँ पर थमीरा बरानी रिवर साउथ इंडिया से ड्रेन ऑफ होती है, इट मीन्स उसका माउथ है वहाँ पर, और एक वो साउथ की तरफ फ्लो करती है। थमीरा बरानी रिवर साउथ इंडिया में वो गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। और साउथ इंडिया से एक रिवर, आई मीन श्रीलंका से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और वो नॉर्थ की तरफ आती है, उसका नाम है अरुवी अरु श्रीलंका में, वो भी आपके अरे यार अब क्या करें, एज यू से, और बताइए, ठीक है, हैप्पी, खुशी मिल गई, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट स्ट्रेट है आपका एक वाटर चैनल जो कि नेविगेबल है, नेविगेट कर सकते हैं, वहाँ से नेविगेशन हो सकती है, और वो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को आपका गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक स्ट्रेट भी उसे कहते हैं, वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, राइट, चलिए, द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ होम ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज, चलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर इट्स पर्ल बैंक, टू पिंच डाटा रेडियाटा एंड पिंक टाडा फुकाटा फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स। ये मैं आपको पल के टाइप्स यहाँ पे बता दिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर इतनी नॉलेज नहीं गेन करी तो भैया कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है यार, ठीक है जी, डन। चलिए, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट आपका गल्फ ऑफ मन्नार। अब गल्फ ऑफ मन्नार क्या है आपका? इंडियन पेनिनसुला और नॉर्थ श्रीलंका, वो दो मेन लैंड्स वहां पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, कहीं और ही चला गया मैं, है ना। चलिए, एक मिनट। चलिए, पाक स्टेट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल एंड योर अरेबियन सी, ठीक है। चलिए, मेरे नोट्स में से बहुत आता है यार, पढ़ो पहले, ठीक है, मेरे नोट्स में बहुत आता है, आप इतना मुझे समझ नहीं आती है बच्चों, शॉर्टकट क्यों ढूंढते हो लाइफ में, नहीं काम आने वाले हैं शॉर्ट नोट आपके, शॉर्टकट्स अगर आप लोगे तो बता दूं मैं आपको, लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो नाम बने हुए ना, ये नाम ऐसे ही नहीं बने हुए कि मेहनत, हार्ड वर्क, परिश्रम, ठीक है, ऐसे नहीं बने हुए। हार्ड वर्क के साथ अक्सर जो वर्ड्स आते हैं वो आपके सक्सेस आते हैं, डेडिकेशन, फोकस, ऐसे नहीं बने हुए, ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं, आप माने चाहे ना माने, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, आपको
कभी ये सुनने में आया होगा कि यार पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया, पहले अटेम्प्ट में ही रेकमेंड हो गया। आप ये उसके पीछे वो कितने टाइम से तैयारी कर रहा है, क्या पता वो नाइन्थ में ही ज़्यादा मैच्योर हो गया आप लोगों से, नाइन्थ में ही उसका डेडिकेशन लेवल ट्वेल्थ के डेडिकेशन लेवल से भी ज़्यादा हो, तो वो चीज़ तो आप कंसीडर नहीं करते। अरे वो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया भाई, उसने ऐसा क्या कर दिया, उसकी तो किस्मत होगी, हैं वो तो लिखवा के आया था, वो तो ये वो आप हर कितना स्पैम करते हैं उसे आप, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार वो क्या पता नाइन्थ से जब वो आपके साथ खेलने नहीं आता था, जब भी आप उसे कॉल करते थे या बुलाने जाते थे वो मना कर देता था आपको कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं आना है। रीज़न ये कि भैया वो ज़्यादा डेडिकेटेड था। मैं किसी एक्स पर्सन की बात कर रहा हूँ जो रेकमेंड हो गया पहले ही बारी में, उसके पीछे की उसकी मेहनत आप लोग नहीं देख पाते। अब वो आप जेलसी के कारण या फिर किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। ठीक है, शॉर्टकट मत करो, जितना टाइम आपके हाथ में उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। बी अ वॉरियर। शॉर्टकट वाले रास्ते जल्दी, जितना शॉर्टकट होता है ना उतने जल्दी वो ख़त्म भी हो जाते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया में दो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आपके वॉल्केनिक इरप्शन प्लस एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, देर आर सम पीक्स इन द अंडमान एंड निकोबार विच आर द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, यस एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस। और जो आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो अटोल है, अटोल वो कोरल रीफ है। कोरल रीफ भी किस टाइप के, अटोल टाइप के। अटोल में क्या होता है कि एक सर्कल बन जाता है आपके कोरल रीफ्स के ऊपर, उस सर्कल के ऊपर जब बारिश होती है तो फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके आसपास रहता है सॉल्ट वाटर, तो वहाँ पर एक अलग ही मरीन एक्वेटिक लाइफ जन्म लेती है, वहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम होता है जो कि आपका लक्षद्वीप में दिखता है। वहाँ पर बिल्ली मिलेगी लेकिन डॉग्स नहीं मिलेंगे आपको। अंडमान निकोबार में आपको अलग वैरायटी के मस्किटोज मिलेंगे, बटरफ्लाइज मिलेंगी, क्योंकि वो वोल्केनिक टाइप है। वोल्केनिक टाइप बसाल्टिक टाइप है, बसाल्टिक टाइप ब्लैक सॉयल है। ब्लैक सॉयल को अगर पानी ज़्यादा मिले तो वहाँ पर लेग्यूम्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर इरिगेशन या रेनफॉल का ही बहुत बड़ा रोल रहता है। वहाँ पर जो स्पीसीज है वो इतनी डाइवर्स नहीं है जितनी डाइवर्स आपके लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक अटोल टाइप है, वो कोरल रीफ्स है, वो एक स्केलेटन के ऊपर ही उसका सारा का सारा बेस टिका हुआ है। ठीक है, कुछ हैबिटेड है कुछ अन इनहैबिटेड है। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं ये ग्रुप ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं आज ज्योग्राफी ख़त्म करके जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कुछ नाम आपने पहली बार ही सुनेंगे मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। नाउ व्हाट इज़ आर्किपेलागो, आर्किपेलागो इज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर हम मैं एरिया वाइज बात करूँ तो आपका इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट आर्किपेलागो एरिया वाइज। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं तो माय डियर फ्रेंड आर्किपेलागो सी, आपका नाम ही आर्किपेलागो सी है उसका, फिनलैंड 50,000 आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। ठीक है जी, चले बहुत बढ़िया। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ 345 आइलैंड्स, आइल्स रॉकी आउटक्रॉप विद लैंड एरिया एक्सटेंडेड अप टू 8,249 किलोमीटर स्क्वेयर्स। कोस्ट लाइन वहाँ पर है 1962 किलोमीटर। अंडमान लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट 6,608 किलोमीटर स्क्वायर एंड निकोबार 1,841 स्क्वायर में। इसमें नहीं जाना है, बस ये देख लेना है अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ 345 आइलैंड्स, बस हो गया आपका काम। ठीक है, द अंडमान आइलैंड्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द सबमर्ज्ड अराकन योमा टेरिटरी। अराकन योमा क्या है, अराकन योमा इज द नेम ऑफ हिमालयाज इन म्यांमार। बस यहाँ पर हिमालयस बोलिए या अराकन योमा बोलिए, बात वही है, उससे हकीकत नहीं बदल जाएगी, हकीकत वही रहेगी।
म्यांमार की एक्सटेंशन से वो निकोबार आर दी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दी मेंटावाई आइलैंड्स टू द साउथ एंड द साउथ ईस्ट ऑफ सुमात्रा। आपके जावा सुमात्रा की भी कुछ आइलैंड्स आपको उसके ओरिजिन वाले ही पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपके अंडमान निकोबार में। ठीक है जी, डन। छोड़िए, आगे चलते हैं। द मेन रॉक ऑफ दीस आइलैंड्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। अब ये देखते ही आप समझ गए होंगे कि भैया ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। हाँ, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मैंने क्या बताया आपको कि ये बसाल्टिक है, ठीक है। इफ नॉट ए सम पोर्शन आर बसाल्टिक एंड सम पोर्शन आपके नहीं सेडिमेंटेशन नहीं है, पूरी सेडिमेंटेशन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे जब भी वो ड्रेन ऑफ होगा या इरोजन वहाँ पर होगा रेन वाटर की वजह से या फ्लड की वजह से, ठीक है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिल रहे हैं। दीज टू आइलैंड्स ग्रुप सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 6 डिग्री चैनल एंड 13 डिग्री चैनल, ये सभी आपके 6 डिग्री चैनल आप हम कह सकते हैं उसकी 6 डिग्री से लेकर के ये ना आपके 92 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है जी। 6 डिग्री, 0 डिग्री का 6 आएगा, 0 डिग्री इज इक्वेटर, उसके ऊपर नदर हेमिस्फीयर। एक सेकंड यार, ठीक है जी, ऑल गुड, मज़ा आ गया, समझ गए। ठीक है जी, सेट है, बहुत अच्छी है यार। अंकित सिंह करिए आप, जो आपको मिल रहा है ना आपको इस टाइम आपके जो हाथ में कुछ भी आ रहा है उसे पढ़ डालिए बस, ठीक है। द नियरेस्ट लैंड मास टू ग्रेटर निकोबार इज सुमात्रा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये मैप रीडिंग का भी है और ये आपको कहीं भी लिखा भी नहीं मिलेगा। ये जो लाइन पर्टिकुलरली मैंने यहाँ लिख दी है, यूपीएससी के 3, 4, 5 क्वेश्चंस अक्सर ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन। आज एन अकेडमी पर क्लास नहीं होगी माई डियर फ्रेंड, आज सॉरी। ठीक है जी, हाँ चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है आपके अंडमान निकोबार में इज द सैडल पीक। सैडल पीक क्या पीक का नाम है? सैडल पीक नाम है। सैडल पीक बीइंग द हाईएस्ट इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स में, ये एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। एक एक लाइन के अंदर एक एक क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, कुछ भी कहिए बहुत यूजफुल है। स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट लीजिए एक एक लाइन के अंदर। और आप इस बात को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, PYQs उठाकर देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर अंडमान एंड निकोबार के जो क्वेश्चन आए हुए वो उठाकर देख लीजिए, आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में मिल जाएंगे, यकीन करिए इस बात का। और लेवल यही है कि हाईएस्ट पीक जो सैडल पीक है वो अंडमान एंड निकोबार में कौन से आइलैंड के ऊपर है, अंडमान में है कि निकोबार में? अंडमान में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक का नाम है सैडल पीक, ठीक है। और सबसे पास कौन सा पड़ेगा लैंडमास? वो सुमात्रा पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। जो मेन लैंडमास है अगर मैं कंट्री की बात बोलूँ, ठीक है जी, चलिए। और उसके पास सबसे पास आइलैंड कौन सा है? उसका नाम है कोकोज आइलैंड।
कोकोज आइलैंड आपके माय डियर फ्रेंड म्यांमार के अंडर आता है, ठीक है। चलिए, सारे के सारे ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और पहले तो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज थे। मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, लीजिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो माय डियर फ्रेंड्स द आईएएस गुरु जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ये मटेरियल मैंने पोस्ट किया हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो वो भी हो सकता है। हाँ, मैं एक मजे की बात बता रहा था आपको, हमारे इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। नहीं सुना होगा आपने, माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एसटी एससीज ओबीसीज ये रिजर्वेशन है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज भैया पहुंच गए अंडमान निकोबार, वहाँ पर ट्राइब्स को कन्वर्ट किया, वो स्केड्यूल ट्राइब से निकल के, स्केड्यूल ट्राइब मतलब है स्केड्यूल ट्राइब का कि वो ट्राइब जो स्केड्यूल के अंदर मेंशनड है। कौन से स्केड्यूल के अंदर? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स के अंदर मेंशनड है, 5th schedule, 6th schedule, और उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली बजट मिलता है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक ऑब्लिगेशन आ जाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसे। लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब पीछे क्या हुआ कि आपके मिनिस्टर, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने अभी पीछे एक पोस्ट डाली थी कि जो कन्वर्ट हुए हैं उनको एसटीज बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एसटी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और मैंने अनगिनत ऐसे लोग देखे हैं जो पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी, जम्मू एंड कश्मीर में, कारगिल में, जो कि सर्व कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, ऑफिसर रैंक्स में, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो बेनिफिट लिए वो एसटी के लिए, तो उनके ऊपर वो जैपडी के अंदर आ गए हैं। क्या उनसे वापस लिया जा सकता है वो स्टेटस, या फिर उनको रिकन्वर्ट कराया जा सकता है? ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कन्वर्टिज्म जो चल रहा है इंडिया के अंदर काफ़ी हाई लेवल पर चल रहा है, काफ़ी हाई लेवल पर। देन उनका सॉफ्ट टारगेट है ट्राइब्स, क्योंकि ट्राइब्स अधिकतर इलिटरेसी की कमी मिलती है वहाँ पर, अक्सर देखने को मिला ये चीज़ें अपने। और अब मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है आपकी अंडमान निकोबार की, वो क्रिश्चियन हो गई, हालांकि वो पहले शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आती थी। यस, 10 degree चैनल माय डियर फ्रेंड, इट इज अ चैनल दैट सेपरेट द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार हम कलेक्टिवली बोलते हैं, लेकिन अंडमान एंड निकोबार नदन जो ग्रुप है आइलैंड्स का और जो सदर्न ग्रुप है आइलैंड्स का, उनको सेपरेट करता है 10 degree चैनल। 10 degree इट मीन्स वो लैटिट्यूड जो कि 10 degree जिसका जो नॉर्थ में है, नदन हेमिस्फीयर में जो 10 degree है उससे सेपरेट होता है वो, ठीक है जी। 8 degree चैनल से सेपरेट होता है आपके लक्षद्वीप एंड द मालदीव्स, ठीक है। कूल, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ 2-3 नाम और देख लेते हैं, फिर मैं शायद एक क्लास और दूंगा कल, क्योंकि लक्षद्वीप रह गया तो कल एक क्लास फिर मैं टेस्ट के ऊपर आऊँगा, ठीक है जी। लैंडफॉल आइलैंड्स, द नदर्न मोस्ट पॉइंट इज लैंडफॉल आइलैंड्स विच इज 901 किलोमीटर अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ हुगली रिवर एंड अबाउट 190 किलोमीटर फ्रॉम बर्मा, ठीक है। लैंडफॉल आइलैंड्स अंडमान निकोबार का, द नदर्न मोस्ट पॉइंट इज लैंडफॉल आइलैंड्स। इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, प्लीज मेक इट श्योर एंड टेक नोट ऑफ दिस, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये आपके सुमात्रा आइलैंड से 150 किलोमीटर है, ये 190 किलोमीटर आपके बर्मा से, ठीक है। लव यू टू माई डियर फ्रेंड।
स्टूडेंट्स आर सो लेस, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं वो उनके क्वेश्चन फंसेंगे, जो नहीं देख रहे हैं उनके नहीं फंसेंगे। एज सिंपल एज डैट, आई डोंट गिव अ सिंगल डैम दोज आर नॉट अटेंडिंग। सैडल पीक इज द नदन, इज इन द नदन अंडमान। उसकी जो एलिवेशन है 732 मीटर्स की है, हाईएस्ट पॉइंट है वो आपके अंडमान का। ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावास और सेंटिनलीज ट्राइब आपको अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिलेगी। और निकोबार में आपको निकोबारीज एंड दी शॉम्पीन, ये आपको निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार पे अलग अलग ट्राइब्स, ज़्यादा नहीं, चार पाँच है। ओंग ट्राइब, जरावा, शॉम्पेंस, ये आप अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी। पीडीएफ दे चुका हूं मैं विकास चौधरी जी, ठीक है। मैं दे चुका हूं, कहां पर मिलेगी आईएएस, दी आईएएस गुरु एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे कुछ इमेजेस, वन लाइनर्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। आप वो भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए, शाटम आइलैंड्स माय डियर फ्रेंड्स, द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज शाटम आइलैंड्स। इट हैज़ परहैप्स द बिगेस्ट सॉ मिल, वन ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। और यहाँ पर जो लॉग्स हैं, जो भी पेड़ लिए जाते हैं, वो एलिफेंट की मदद से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर एक सॉ मिल है जो कि एक आपके वुड स्टॉक को इकट्ठा करते हैं, और फिर वहाँ से, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है यहाँ पर, इंडिया की जो मेन लैंड है यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रेसिडेंशियल एरिया भी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर एक सॉ मिल है आपके, एशिया की सबसे बड़ी। कहाँ पर? शाटम आइलैंड्स। कहाँ पर है ये शाटम आइलैंड्स? ये आपके अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ही है। इसको एक बार आप चेक करेंगे अपने मैप में। माउंट हैरियट, दिस इज द हाईएस्ट हिल अराउंड साउथ अंडमान, इट इज़ अबाउट 365 मीटर्स, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर पहले हेडक्वार्टर्स होता था चीफ कमिश्नर का, यहाँ पर हेयर चीफ कमिश्नर, कुछ चीफ कमिश्नर एरियाज भी थे आपके ब्रिटिश एरा के टाइम पर, कुछ चीफ कमिश्नर के भी एरियाज थे, नॉट प्रिंसली स्टेट, नॉट दी प्रोविंसेस, कुछ चीफ कमिश्नर एरियाज भी थे। आपको जरूर आपको पता करना चाहिए पॉइंट, ठीक है जी। रोज आइलैंड्स माय डियर फ्रेंड्स, रोज आइलैंड वो इलाका है जिसको अब सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बैक योर इन 2019 इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रॉस आइलैंड का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड है, ठीक है जी। ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आप लोग शायद नहीं जानते हो इस बात को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के अगर हम नज़रों से देखें। ठीक है जी, मुझे बचपन से ज्योग्राफी पसंद थी, बचपन से तो मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी, बचपन से बचपन से तो मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी। ये तो आईएएस की प्रिपरेशन ने थोड़ा सा पॉलिटी, चलिए ठीक है, हाँ चलिए। मधुबन, चलिए काट सकते हैं इसको। हैवलॉक आइलैंड्स, कोरल रीफ्स हैं यहाँ पर। नील आइलैंड्स, टिम्बरिंग ऑपरेशंस यहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने बोला कि फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर, और आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वुड की वो आपके पूरी की जाती है अंडमान निकोबार से, ठीक है जी। चिड़िया टापू, वाइपर आइलैंड, सेलुलर जेल जो है आपकी वाइपर आइलैंड्स पे है, ठीक है जी। सेलुलर जेल जो वीर सावरकर जी का, जो जहाँ पर जिनको रखा गया था, माय नेम इज सनी वर्मा माय डियर फ्रेंड। चलिए, कार निकोबार, निकोबार के अंदर ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है और यहाँ पर अब क्रिश्चियन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड मैं करूँगा कल आपके साथ डिस्कस। ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर अंडमान एंड निकोबार मैंने कर लिया, एंड आई होप मैंने आपको कुछ 10 फैक्ट तो ऐसे बताए हैं जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और वो 1998 से अब तक
जितने क्वेश्चन उससे पूछे हैं, जो मैंने 10 फैक्ट बताए हैं उसमें से पूछेगा, उसमें से ही पूछता है। कुछ ऐड ऑन करना है तो भैया आपके रॉ साइलेंट्स, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड है, उसके अंदर एक फैक्ट और ऐड हो गया, डेट्स इट। एक पॉइंट और ऐड हो सकता है कि भैया एयरफोर्स का बेस कहाँ पर है अंडमान निकोबार में, ये आपको पता करना है, ठीक है, राइट, ठीक है जी। ये कुछ फैक्ट है, ये 1998 से लेकर के अब तक, जब से मेरा वास्ता यूपीएससी से है तब से लेकर अब तक, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, वो यही है। ये तीन अपने पास टेलीग्राम चैनल है, इन्हें आप ज्वाइन कर लेंगे, जो कुछ मटेरियल पड़ा है उसके ऊपर आप एक्सेस कर लेंगे। एंड आई विल सी यू टुमारो, टिल देन यू गाइस टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।